बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के घर छापा पड़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी के घर एसीबी ने मारा छापा। टीआर साहू के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। बिलासपुर के नूतन कॉलोनी स्थित आवास पर छापा मारा गया। बिलासपुर और कवर्धा स्थित आवास पर कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां पर बिलासपुर के नूतन कॉलोनी के आवास से और साथ ही कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। जिला शिक्षा अधिकारी के घर पड़ा छापा। जिला शिक्षा अधिकारी के घर एसीबी की टीम ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी और इसकी शिकायत के बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है बिलासपुर से और ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में टीम पहुंची हुई है एसीबी की छापेमार कार्रवाई करने के लिए। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी के घर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। टीआर साहू के कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के घर एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और एक साथ कई ठिकानों पर ये टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए, जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां बीच सड़क पर दो पुलिसकर्मी भिड़ गए। जी हां, आरक्षक विष्णु चंद्रा सुनील ठाकुर में मारपीट हो गई। एक दूसरे का कॉलर पकड़कर गाली गलौज करने लगे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जेल रोड पर विवाद हुआ। आरोपियों की गवाही को लेकर हुआ था विवाद। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने शांत कराया विवाद। और ये देखिए, ये वीडियो सामने आ रहा है जहां आरोपियों की गवाही को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने इस मामले को शांत कराने की कोशिश की। तो बीच सड़क पर ही दो आरक्षक भिड़ गए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस मामले को शांत कराया गया। दरअसल आरोपियों की गवाही को लेकर ये दोनों आरक्षक आपस में भिड़ गए और इतना ज्यादा विवाद हो गया कि एक दूसरे को हाथापाई पर उतर आए। अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया गया। ये तस्वीरें हैं बिलासपुर की मेन रोड की, जहां पर बीच सड़क पर ही दो आरक्षक एक दूसरे पर हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर से ही खबर है, जहां डायरिया से दो वर्षीय मासूम की मौत का मामला सामने आया। उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मस्तूरे के बुढ़ीखार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाके में पानी पीने के साफ पानी की कमी, खुले बोरवेल और कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग और इस वजह से डायरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। दो साल का मासूम बच्चा जिसने दम तोड़ दिया, उल्टी दस्त से काफी परेशान था, बुखार भी उसको लगातार बना हुआ था और जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, रास्ते में इस मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। देखिए तस्वीरें, मासूम बच्चा पर पूरे परिवार में शोक मातम पसरा हुआ है और मस्तूरी की बुढ़ीखार गांव का ये पूरा मामला सामने आया है और सीधे रुख करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, वाकई में बहुत ही दुखद है, दो साल का मासूम बच्चा डायरिया से उसकी मौत हो गई। देखिए, ये पूरा जो मामला है मस्तूरी थाना क्षेत्र के बुढ़ीखार का मामला है। यहाँ पर बीते कई दिनों से जो है लोग जो है वो कुएं का पानी पी रहे हैं, इसके अलावा जो खुला बोर है उसका पानी पी रहे हैं, जबकि यहाँ पर लगातार डायरिया के मरीज निकल कर सामने आए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर पीने की जो साफ पानी पीने की व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि किस तरीके से उल्टी दस्त से पीड़ित एक मासूम दो वर्षीय बच्चे की इलाज कराने से पहले रास्ते में ही उसकी दम टूटने से मौत हो गई
रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो सिस्टम पर उठने लगा है, स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर कहा जाता है कि नल जल योजना के तहत साफ पानी मुहैया कराने के जो दावे हैं उसकी ये इस पूरी घटना ने पोल खोल कर रख दिया है। फिलहाल बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में लगातार डायरिया मलेरिया का जो प्रकोप है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब तक डायरिया के लगभग 1000 से अधिक मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। वहीं एक 19 वर्षीय युवती की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है और वहीं कल जो है एक 2 वर्षीय बालक की इलाज कराने के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तब रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो भयावह स्थिति हो चुकी है। हालांकि जरूर ये दावा किया जाता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि वहां पर जहां भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है वहां पर कैंप लगाया जा रहा है, दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, पर जब इस तरह की मौत निकलकर जब सामने आती है तो उन तमाम दावों की सच्चाई जो है वो पूरी की पूरी खोखली नजर आती है। फिलहाल देखना होगा कि मामला जो लगातार बढ़ता जा रहा है डायरिया और मलेरिया का, उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट जारी करता है। हालांकि अलर्ट तो जारी कर दिया लेकिन बावजूद उसके जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो मामला कैसे कम होगा, कैसे क्या व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और जो लगातार सिस्टम पर सवाल उठता है पानी की है, जिसे व्यवस्था सुधार करना है, वो सही पानी उपलब्ध करवाए ग्रामीणों को, तभी ऐसी बीमारी से निजात मिल पाएगी। शुक्रिया आपको अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां दुर्ग से खबर है, 4 मंजिला इमारत में लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शंकराचार्य अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। शकुंतला अपार्टमेंट में गिरी लिफ्ट, भिलाई के वैशाली नगर में यह हादसा हुआ है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई है। तो खबर दुर्ग से है जहां 4 मंजिला इमारत में गिरी लिफ्ट, लिफ्ट गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। शकुंतला अपार्टमेंट में गिरी है लिफ्ट, भिलाई के वैशाली नगर में हादसा हुआ। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर है दुर्ग से। और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, 4 मंजिल इमारत में लिफ्ट गिर गई, कैसे हादसा हुआ है और घायलों की क्या स्थिति है? 4 लोग घायल हुए हैं जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों का, 4ों का जो इलाज है वो शंकराचार्य हॉस्पिटल में चल रहा है। और दूसरी बात, यदि बात किया जाए हादसे की, तो हादसा जो हुआ है वो शकुंतला अपार्टमेंट में घटित हुआ है जो वैश्यनगर क्षेत्र में आता है। वहां पर 4 मंजिला इमारत से लिफ्ट के माध्यम से एक परिवार उतर रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। लिफ्ट जो है सीधा टूटते हुए वो नीचे पार्किंग क्षेत्र में आके गिरी, जिससे काफी जोर से आवाज आई और इसमें जो सवार थे 4 लोग वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनको अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से कई सवाल खड़े हो रहे थे अपार्टमेंट में भी कि उसकी गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है, यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि लिफ्ट का भी मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ होगा और नतीजतन ये अभी घटना घटित हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जब पुलिस जांच करेगी तो जांच के बाद में और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार घटना की वजह क्या थी। लेकिन प्राथमिक रूप से ये जरूर कहा जा रहा है कि गुणवत्ता की कमी देखी जा रही थी, मेंटेनेंस का अभाव देखा जा रहा था और यही वजह थी कि ये घटना घटित हुई है। तो मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद मुख्य कारण सामने आ सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब जांच हो रही है और जांच के बाद ही मुख्य कारण सामने आएगा कि आखिरकार ये लिफ्ट गिरी कैसे, क्योंकि 4 मंजिला इमारत से लिफ्ट नीचे गिर गई और इस दौरान 4 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। शंकराचार्य अस्पताल दोनों को भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, प्रबंधन मामले की जांच में जुट है कि आखिरकार कहां टेक्निकल खराबी आई है या लापरवाही हुई है, किस कारण से ये पूरा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, बीते 3 घंटे से तेज बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। खबर रायपुर से है, सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और बीते 3 घंटे से तेज बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में अति भारी बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ है।
अंबिकापुर जिले में दो दिनों से जारी झमाझम बारिश की वजह से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जारी बारिश से घुनघुट्टा डैम लबालब भर चुका है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से उफनती नदी और नाले नहीं पार करने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले के हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले दो दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8 गेट हैं, लेकिन लगातार दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट में है ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और आगे बढ़ेंगे जहां पिंडरा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ अच्छी बारिश से किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में जिले में अभी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अंबिकापुर में हुई जोरदार बारिश के बाद यहां के मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल हो गया। मेडिकल कॉलेज के भवन के कई वार्ड में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेडिकल स्टाफ को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जिसकी मरम्मत के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। वहीं नई बिल्डिंग के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। साल की सौगात मिलने के बाद भी अंबिकापुर में जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित हो रहा है और इससे खासा परेशानियों का सामना यहां इलाज कराने आए मरीजों को होना पड़ता है। इसका एक नज़ारा मैं दिखाऊंगा कि ये जिला अस्पताल है जहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है और अभी बारिश हो रही है और देखिए कि इसके जो छत है उससे कित तरह के यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है और ऐसे में यहाँ से चलने वाले जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको दिखाता हूँ, ये पुरुष सर्जिकल वार्ड के सामने जहाँ पर यहाँ पुरुष जो सर्जिकल वार्ड है वहाँ का ये नज़ारा है और इसके साथ ही मैं आपको एक नर्सिंग जो स्टाफ जहाँ बैठते हैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये नर्सिंग जो स्टाफ हैं वो बलौरा बाजार में भारी बारिश की वजह से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोहांसी नगर पंचायत में ज्यादा जल जमाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां लवन रायपुर मुख्य मार्ग पर पानी भर गया है। रास्ते में पानी भरने होने की वजह से सड़कों पर बने गड्ढे में रोज गाड़ियां फंस जा रही हैं। गौरतलब है कि इसी रास्ते से होकर स्कूल वाहन भी गुजरते हैं, यहाँ हादसे का डर बना रहता है। मिनी नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकोट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। जलप्रपात को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं। जलप्रपात पर पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं और स्थानीय गीतों पर खूब नाचा भी जा रहा है। तो वहीं दूसरे प्रदेशों से पहुंचने वाले पर्यटक भी चित्रकोट जलप्रपात का दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, पहले आप देखिए शबाब पर है पूरे अपने चित्रकोट जलप्रपात और इसकी खूबसूरती ही इसकी पहचान है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। खास तौर पर बारिश के दिनों में यहाँ पर लोग खूब मनोरंजन करते हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप, अब चूंकि चित्रकोट जलप्रपात अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता से पहचाना जाता है और यहाँ पर देखिए जहाँ 4 लड़कियाँ झूमती हुई नाचती हुई नजर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर ये पूरा जलप्रपात जो भी यहाँ पर जाता है
खूब आनंद उठाता है। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा, सुजीत शाह मनेंद्रगढ़ से, श्रवण महंत अंबिकापुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो तनु आपके पास आते हैं, लगातार बारिश हो रही है, कैसे हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में जो लो सिस्टम प्रेशर बना हुआ है जिसका पूरा प्रभाव छत्तीसगढ़ में जो है वो देखने को मिल रहा है और बीते दिनों से ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जो है वो जारी है। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली और करीब 3 से 4 घंटे बाद ये बारिश का दौर जो है वो थमा है, लेकिन अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 4 से 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है यू ही बना रहेगा और लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बीते दिनों मौसम विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें 12 घंटे के लिए कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिली के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था और इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जताई गई थी। इसके साथ ही लगातार बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी है, कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है तो वहीं राजधानी रायपुर में भी कई इलाकों में जलभराव वाली स्थिति भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार बारिश जो है वो अभी चलते रहेगा, 5 अगस्त तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जो है वो जताई है। इसके साथ ही लगातार बारिश से एक तरफ जहां उमस से थोड़ी राहत मिली है लेकिन वहीं आम जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी जो है वो पूरी तरह से जो है बढ़ चुका है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 6% जो है वह ज्यादा बारिश होगी। वहीं इस महीने में और जुलाई और अगस्त महीने में जो औसत बारिश मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान में जताया गया था उससे भी ज्यादा बारिश जो है अभी दर्ज की गई है और आगे भी अच्छी बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, और साथ ही सुजीत आपके पास आते हैं, मनेंद्रगढ़ में कैसे हालात हैं? देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, लगातार अभी बारिश हो रही है, बीते 4 दिनों से है जो लगातार बारिश हो रही है। कल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया, वहीं जो है अभी फिलहाल जो है कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, साथ ही आसपास जो जिले हैं कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर, सरगुजा सहित तमाम जिलों के लिए अगले 12 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दूं कि मौसमी बीमारी जो है भारी बारिश से मौसमी बीमारी का भी जो है खतरा जो है लोगों में बढ़ चुका, उल्टी, दस्त, फीवर के लोग जो मरीज हैं वह पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं जो जहरीले जीव जंतु है बारिश से वह भी जो है निकल रहे हैं काफी, उससे भी जो है आम लोगों को काफी ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं 22 किलोमीटर प्रति घंटे से जो तेज हवाएं जो चल रही है ठंड, उससे लोगों को जो आम लोगों को है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार भारी बारिश से आम लोगों को जो है जो आम लोग जो है वह घरों में कैद हो चुके हैं। वहीं लगातार जो बारिश है, कल देर जो शाम से जो बारिश शुरू हुई थी लगातार अभी भी बारिश जारी है। वहीं लगातार बारिश होने से जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को और जो खासकर ग्रामीण इलाके से हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं खेती किसानी की बात करें तो किसानों में कहीं ना कहीं एक जो पिछले काफी 4 से 5 सालों में जो किसानों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था वो इस बार जो पानी से भारी बारिश से जो है उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जो राहत मिलेगी। सूखा का जो असर पड़ रहा था पिछले साल जो है इस वक्त जो है वो जो खेती किसानी भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुजीत, और श्रवण आपके पास आते हैं, बारिश हो रही है, कुछ निचले इलाके काफी प्रभावित हो रहे हैं, अंबिकापुर में कैसे हालात बने हुए बारिश के मद्देनजर? देखिए लगातार जो है 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के वजह से शहरों के जो निचली बस्ती हैं उसमें तो पानी भर ही रहा है, इसके साथ साथ जो है नदी नाले उफान पर हैं। और मैं अभी गुनगुट्टा डैम के पास ही मौजूद हूं और गुनगुट्टा डैम की जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जिसके वजह से जो है उसके जो 3 गेट हैं उसको खोल दिए गए हैं और हालात जो है अभी और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 घंटों में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय जो बिजली है उसके गिरने की संभावना है और इसके लेकर के जो है जिला प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है कि ताकि किसी प्रकार के ग्रामीण इलाकों में भी जो है किसी प्रकार के जनहानि ना हो और जहां जहां नदी उफान होते हैं और जहां जहां पुल में पानी ऊपर बहता है ऐसे जगहों के नजदीकी थानों में भी संपर्क कर लिया गया है और इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन है वो भी मुस्तैद यहाँ पर नजर है और टोल फ्री नंबर भी यहाँ जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का अनहोनी होती है तो उसको तत्काल जो है उसको
रेस्क्यू का काम भी किया जाए, क्योंकि जुलाई के महीने में सरगुजा जिले में बारिश बहुत कम हुई थी, इससे जो है किसान बड़ा चिंतित थे। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना की शुरुआत हुई है, इस बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे में तो खुशी देखी ही जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रहा है बिना रुके, उससे जो है जल जीवन जो है प्रभावित है। रोजमर्रा के जो जीवन यापन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ स्कूली बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में। इसके अलावा जो है जिस तरह से बारिश नहीं हो रही थी तो मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि उमस लगातार थी, हल्की बारिश होती थी छोड़ देते थे, तो गर्मी जो है उससे लोग परेशान थे। तो उससे तो राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों को भी खुशी है। और इसके साथ ही आने वाले समय में और इसी तरह के अगर बारिश होती है तो जो बारिश है वो खतरे के निशान से ऊपर जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, और बलरामपुर में भी भारी बारिश की वजह से स्टॉप डैम टूट गया है। कृषि विभाग द्वारा बनाया गया था स्टॉप डैम, पहली बारिश में ही डैम में दरार आ चुकी है और निचले इलाकों को खाली करा लिया गया था। खड़िया डीही पुरान पारा में यह स्टॉप डैम बनाया गया था, जो कि पहली बारिश ही झेल नहीं पाया और टूट गया है, और इससे अब पानी निकलना शुरू हो चुका है। इसके सीधे रास्ते पर जो निचले इलाके हैं उन्हें अब खाली कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, और अब लोगों को सतर्क कर दिया गया है। स्टॉप डैम टूट जाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जाना है। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेनें रद्द होने पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। जी हां, रेल मंत्री के नाम से सभी जिलों में ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश कांग्रेस का सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है, जहां रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन करेंगे, और रायपुर में भी कांग्रेस से DRM को सौंपेंगे ज्ञापन। आप ये देखिए कि 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, यानी कि जो यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखी है उनका स्केड्यूल तो खराब हो गई, हालांकि भले उनको रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यक्रम होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगली ट्रेनें कब मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, उस रूट की ट्रेनों में सीट खाली है नहीं है, ये तमाम अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेल मंत्री के नाम से इसके चलते जिले में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, और अब ज्ञापन सौंपकर DRM को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया जाना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेनें रद्द होने पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ट्रेनें रद्द होने पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, और आप ये देखिए कि 72 ट्रेन रद्द होने से जो यात्री हैं जिन्होंने पहले से ही टिकट बुक करके रखा हुआ है, उन्हें जरूर यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं उसके बाद यात्रियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अब वो अगली ट्रेन कहां से पकड़ेंगे, और उसमें भी टिकट उनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लंबे रूट की जो ट्रेनें होती हैं उसमें काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर नितिन नवीन, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन। प्रदेश कार्यालय में लेंगे पार्टी की बैठक, और निकाय पंचायत चुनाव की भी रणनीति बनाई जानी है। निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर चर्चा होनी है। संगठन हमेशा काम करता है, नितिन नवीन ने कहा, हमारा संगठन हमेशा संचालित कहलाता है। पूरी साल काम करता है, और यही कारण है कि हम लोग का संगठन हमेशा स्वच्छ संचालित कर सकते हैं, और आज उसी के दृष्टि से कई जो कार्यक्रम पार्टी के आगामी आए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका दिवस, ऐसे कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे कैसे उस कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम हो। साथ ही साथ संगठन के और जो हमारे पिछले दिनों में कार्य समिति हुई, बाकी चीज़ें हुई, सबकी समीक्षा होगी, और संगठन के और सशक्त रूप से कैसे चले, सरकार की जो गतिविधि है उसमें संगठन का क्या उपयोग और हो सकता है,
इन सभी चीजों की चर्चा हो। रायपुर से खबर है जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज आज जाएंगे दिल्ली। आज दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में पीसीसी प्रभारी सचिव सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी भेंट करेंगे दीपक बैज। संगठन में नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।